नमस्कार दोस्तों, आज हमारे सामने है टाटा मोटर्स का सिग्ना 5530.S। ये ट्रैक्टर और टिप्पर कॉम्बिनेशन में आता है। चलिए इसके रिव्यू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैबिन की। कैबिन फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। पर के इंजन की बात कर ले तो इसमें आपको मिलता है 300 HP का इंजन, और ये इंजन 1100 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और इस टिप्पर का जो ग्रॉस व्हीकल वेट है ये ऑलमोस्ट 55,000 kg का है। यहाँ पर टाटा मोटर्स का लोगो है, यहाँ पर कैबिन का एयर इंटेक है, यहाँ पर सिग्ना की बैजिंग है। इसमें आपको मिलते हैं क्लियर लेंस हेडलैम्प्स, और यहाँ पर एक एडिशनल प्रोटेक्शन गार्ड आपको दिया गया है। साथ ही साथ फ्रंट टोइंग एप्लीकेशन के लिए आपको यहाँ पर एक कपलिंग दी गई है। अपर साइड में मिलता है प्रॉक्सिमिटी मिरर। ये जो ट्रक है ये दो कॉम्बिनेशन में आता है, मतलब ये जो फ्रंट पार्ट है ये नॉर्मल 55-30 जो घोड़ा हम बोलते हैं वही है, पर इसके पीछे टिपिंग ट्रेलर को लगाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 24V बैटरी सेटअप। इसमें आपको यहाँ पर 3 न्यूमेटिक टैंक दी गई है, यहाँ पर स्पेयर व्हील है, और ये देख सकते हैं 32 क्यूबिक मीटर की यहाँ पर आपको ये लोड बॉडी मिलती है। अभी ये हाइड्रोलिक ऊपर उठाया गया है, और यहाँ पर एक सेफ्टी लॉक भी दिया गया है सेफ्टी पर्पस के लिए। यहाँ पर इसका टिपिंग सर्किट, जिसे हम हाइड्रोलिक सर्किट भी बोलते हैं, इसमें ऑलमोस्ट जो है वो 81 लीटर का वर्किंग फ्लूइड आता है, और टोटल जो वॉल्यूम होती है ऑयल की वो ऑलमोस्ट 103 लीटर की होती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल लाइंस और प्रेशर लाइंस आपको इस साइड में दी गई है। यहाँ पर वैपको कंपनी का एयर क्लीनर दिया गया है। फ्रंट और रियर एक्सल पर आपको मिलता है लिप स्प्रिंग सस्पेंशन, और ये इसका टिपिंग ट्रेलर। यहाँ पर आपको मिलता है एक लिफ्टेबल एक्सल, जिसे एयर सस्पेंशन दिया गया है, और ये यॉर्क कंपनी के एक्सल इसमें यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर ट्रेलर लेग्स दिए गए हैं, और यहाँ पर एक सेफ्टी लॉक भी दिया गया है। इसका जो लोडिंग बॉक्स है आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 साइड मार्कर लैंप्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं। और ये देख सकते हैं इसके रियर एक्सल्स काफ़ी बेहतरीन है। इसके दोनों एक्सल्स पर आपको मिलते हैं लिप स्प्रिंग सस्पेंशन, टाटा मोटर्स का लोगो है। इसके रियर सेट में आपको मिलते हैं हेलोजन बेस्ड टेल लैंप्स, काफ़ी बेहतरीन। यहाँ पर इसका जो टिपिंग यूनिट है बनाया गया है, ये हाइवा इंडिया का हाइड्रोलिक यूनिट दिया गया है, काफ़ी बड़ा है दोस्तों। और इसके इंटरसेक्शन की बात कर ले तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय वाह कैप। वाह कैप की मदद से आप अपने ट्रक, ट्रेलर, टैंकर और टिपर के लिए बड़ी आसानी से लोड बुक कर सकते हैं, वो भी 0% कमीशन पर। वाहक ऐप को 1,000,000 से ज़्यादा ट्रांसपोर्टर भारत में यूज़ करते हैं। आप भी इसे यूज़ करके अपना ट्रांसपोर्ट बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी बेहतरीन इसका जो कैबिन है वो बनाया गया है, और ये टॉप मॉडल है दोस्तों, जिसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको मिलता है 4-spoke स्टीयरिंग व्हील, और यहाँ पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर टाटा मोटर्स का लोगो है, सिग्ना की बैजिंग है, और ये काफ़ी प्रीमियम फीचर है दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर इसका एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, RPM मीटर है, यहाँ पर ऑयल टेम्परेचर गेज है, यहाँ पर स्पीडोमीटर है, यहाँ पर फ्यूल लेवल गेज है, और यहाँ पर आपको एक मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी दिया गया है। इसी के साथ साथ इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलता है 9-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो है वो फॉरवर्ड गियर से, और यहाँ पर एक लोअर गियर आपको दिख जाता है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्क्रीन मिल जाती है दोस्तों, जो बहुत ही प्रीमियम फीचर लगा मुझे, क्योंकि बहुत सारे ट्रक्स में ये आता नहीं है, और आपको टाटा मोटर्स ऑफर करती है टॉप मॉडल में, जो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर AC के कंट्रोल से, और ये फुल्ली फंक्शनल AC दोस्तों। यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 AC वेंट्स आपको दिए जाते हैं। जैसे कि साथ साथ कंट्रोल्स की बात कर ले तो डैशबोर्ड कंट्रोल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर हजार लैम्प का बटन है, यहाँ पर लाइट, मीडियम, हेवी के कंट्रोल्स है, यहाँ पर इंजन इमोबिलाइजर का बटन है, यहाँ पर इंजन चेक लैम्प का बटन है, यहाँ पर हिल होल्ड असिस्ट का कंट्रोल है, यहाँ पर देख सकते हैं रीजनरेशन ऑन, और यहाँ पर रीजनरेशन ऑफ करने का बटन है, यहाँ पर हेल्प बटन है। ये जो बटन्स होते हैं इनको यहाँ पर कवर किया गया है, क्योंकि ये गलती से दबने नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशन में यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इनको एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए कवर दिया गया है। यहाँ पर हेडलैम्प लेवल एडजस्टमेंट का बटन है, 5V 2.4 A का यहाँ पर दो चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, जिसकी मदद से आप फोन को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्लीपर कैबिन दिया गया है, जो काफ़ी बेहतरीन है। ये नॉर्मल ट्रैक्टर है, बस इसको आपको एक ट्रेलर दिया गया है पीछे टिपिंग यूनिट के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और अपर साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्पेसिंग है, और यहाँ पर एक स्पेसिंग है, और यहाँ पर एक आपको स्पेस मिल जाती है आपके डॉक्यूमेंट्स और कुछ जरूरी चीज़ें रखने के लिए। अपर साइड में आपको मिलता है यहाँ पर सनवाइजर, और यहाँ पर एक स्पीकर का प्रोविजन है, यहाँ पर एक स्पीकर का प्रोविजन है, और देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर कैबिन बनाया गया है। इंजन की हीट अंदर ना आए इसलिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंसुलेशन यहाँ पर आपको दिया गया है। और साथ ही साथ ये देखें स्लीपर कैबिन आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी स्पेसिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। टाटा मोटर्स के मैंने आज तक बहुत सारे गाड़ियों का रिव्यू किया है, और मैंने पहली बार यहाँ पर इंडिविजुअल डोम लाइट्स आपको यहाँ पर दिख जाते हैं ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। ये देखें इस प्रकार ऑन होता है, ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे, और वो भी यहाँ पर आपको एडिशनल रीडिंग लाइट मिल जाता है। इसमें आपको एयर सस्पेंडेड सीट मिलता है, और यहाँ पर इसके टिपिंग कंट्रोल से, ये देखिए हाइवा का यहाँ पर लोगो बना हुआ है, और यहाँ पर इसका पार्किंग ब्रेक आपको मिल जाता है, और कैबिन में फायर सेफ्टी के लिए आपको यहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर भी आपको दिया गया है। अब जानते हैं इस गाड़ी की कीमत के बारे में।
इस गाड़ी की जो टोटल कीमत है वो लगभग 50 लाख रुपए से ज्यादा है, मतलब 50 लाख से ज्यादा इस गाड़ी की कीमत है। पर इसका जो फ्रंट यूनिट है यानी कि जो इसका ट्रैक्टर है जिसे हम घोड़ा भी कहते हैं खींचने वाले पार्ट को, तो इसकी जो कीमत है 38 लाख रुपए तक जाती है एक शोरूम। आपके राज्य में अलग अलग टैक्सेस वगैरह होते हैं जिनकी वजह से हर राज्य में गाड़ी की कीमत ऊपर नीचे हो सकती है। और इसमें दो यूनिट है, सबसे पहला ट्रैक्टर और दूसरा ट्रेलर। तो ट्रैक्टर की कीमत जो होगी वो 38 लाख रुपए तक होगी, जिसमें टिपर सेक्शन लगा हुआ है। उसकी जो कीमत है दोस्तों वो 12 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक जाती है। ये डिपेंड करते हैं कि आप इसमें कौन सा वेरिएंट लेते हो, किस कंपनी का लेते हो, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारी कंपनीज है, तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आप कौन से कंपनी का इसमें यूज करते हो। कुछ कुछ केसेस में ट्रेलर की जो कीमत है 8 लाख रुपए से भी शुरू होती है और कुछ कुछ केसेस में 12 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक भी जाती है। ये एक सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था, क्योंकि ऐसे जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं ये आसानी से देखने को नहीं मिलते हैं, पर हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।